हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी। ये जो दाल मखनी है एकदम ही क्रीमी बन के तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत उड़द की दाल ली है। ये मैंने एक कटोरी ली है। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था। ये अच्छे से भीग के तैयार हो चुकी है। इसी के साथ मैंने इसका 1/3 पार्ट राजमा लिया है। इसको भी मैंने सोक कर लिया था ओवरनाइट। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। साथ में मैं इसमें 2 तेज़ पत्ते ऐड कर रही हूँ, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करा, एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च ऐड करी है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा के हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इसको हम कम से कम 5 से 6 सीटी तक लगाएंगे। इसमें 5 से 6 सीटी हो गई है, प्रेशर रिलीज हो गया था। चेक कर लेते हैं, दाल हमारी अच्छे से बॉईल होके तैयार हो चुकी है। इसमें जो खड़े मसाले ऐड करे थे उनको हम निकाल देते हैं। अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको ऐसे कंटिन्यू करछी की हेल्प से प्रेस करते हुए इसको घोटेंगे। इस दाल को हम ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक घोटेंगे, जिससे कि जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी होगा। जब तक ये घुट रही है मैं यहाँ पर इसका मसाला बना के तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 1 टीस्पून घी ऐड करा है और 1 टीस्पून बटर ऐड करा है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें 1/2 टीस्पून हींग ऐड करा है और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करा है। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। जैसे ही अच्छे से भून जाएगा, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप्ड कर लिया था, इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। अब जब तक ये भून रहा है, साथ में दाल भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको बीच बीच में ऐसे खोटते रहना है, तभी इसका जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी सा तैयार होगा। आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा, दाल मखनी का टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। अब यहाँ पर दाल को ऐसे ही घोटते रहें, साथ ही साथ यहाँ प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करा है और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हमने बॉईल करते टाइम भी ऐड करा था, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा पानी रख के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मसाला जले नहीं। अब इस मसाले को हम 1 मिनट तक ऐसे भून लेते हैं ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। 1 मिनट बाद हम चेक करेंगे, मसाला अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लिया था, ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। साथ ही यहाँ दाल भी अच्छे से घुट के तैयार हो चुकी है। पहले से जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी हो चुका है। बस हम 4 से 5 मिनट इसको और घोटेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ टमाटर भी अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा भुन के तैयार हुआ है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स कर देंगे। अब ये मसाला बन के अच्छे से तैयार हो चुका है। अब जो बॉयल दाल थी उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये थिक है इसलिए इसमें गरम पानी ऐड करेंगे। इसमें गरम पानी ही ऐड करें क्योंकि ये दाल धीरे धीरे थिक होती जाएगी उड़द की दाल की वजह से। इसमें अच्छे से हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं घर की फ्रेश मलाई ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 बड़े चम्मच। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी दाल मखनी बनके तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनके तैयार है। इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये दाल मखनी की रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।